मेरे भाई यहाँ पर आओ, ये देखो ये क्या किया तुमने, इस वाले शीशे में पानी का निशान। पानी का निशान? भाई मैंने अच्छे से साफ किया था, चलो हटो दोबारा कर देता हूँ। गाड़ी का रंग खराब हो जाएगा यार, क्या कर रहे हो? अरे भाईजान आप बाहर क्यों आए, चलिए आप अंदर जाएं, आपको ठंड लग जाएगी। जी भाई आपको नहीं पता कि आपके चोट लगी हुई है, ठंड में कमर अकड़ जाएगी आपकी। चलिए अंदर चलिए। नहीं 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 चलिए अंदर अंदर चलिए आप। अच्छा छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है मेरे। अरे आराम से, आप टांगे यहाँ पे रखें, आपकी कमर को सुकून मिलेगा, हिलिए मत बिल्कुल। जाओ भाई के लिए चाय लेकर आओ। भाईजान आपका घर ये ले पड़ा उल्टा है ये। पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछूंगा, तुम दोनों लफंगे इस वक्त कर क्या रहे हो? हाँ अपनी हरकत को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। बिल्कुल। अच्छा ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, समझे? भाई आपने जब ईद को विदात के हवाले किया तो उस वक्त हमने यही कहा कि ये हमारा भाई नहीं, आखिर हमारे भाई ने ऐसा कैसे कर दिया? भाई उस दिन तो आपने सबका दिल जीत लिया जब उस बच्ची की जान बचाने के लिए आप गाड़ी के सामने आए, फिर हमने कहा ये हमारा भाई। हमें कभी भी अपना दुश्मन मत समझिएगा भाई, मायूस थे हम। देखो तुम्हारे भाई की जान फिर खतरे में थी और मुझे उस वक्त उसकी जान किसी भी हाल में बचानी थी, और अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं फिर से ईद विदात को दे दूंगा। हाँ और अगर ईद की जान खतरे में होगी तो मैं अपनी भी जान का ख्याल नहीं करूंगा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिसे मैं नहीं छोड़ सकता, तुम लोग, मेरे भाई, मेरी फैमिली, इस बात को समझ लो ना। इधर आओ मेरे पास, आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, आ जाओ। फोन बज रहा है। बस हो गया, चलो अब हटो यहाँ से, हटो पीछे हट जाओ। हो गया, आतिया का फोन आती हमें हटा दिया। हाँ हम भाइयों की मोहब्बत का भी कोई फायदा, हम तो अपने भाई के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, मगर भाभी का फोन आ जाता है। अरे भाई अरे निकलो यहाँ से, लफंगे कहीं के, अकल नाम की तो चीज ही नहीं है तुम लोगों के पास। हेलो बताओ आसिया। बताती हूँ मेरी जान, तैयार हो तुम? तैयार हूँ। याद आ रही थी तुम्हारी। अच्छा हाँ सही कहा तुमने, है ना? कोई है वहाँ ऐसा लग रहा है, इसीलिए सही से बात नहीं कर पा रहे हो। अच्छा खैर जो भी बोलना है जल्दी बोलो। अहम सवाल, मैं सोच रही थी। जैसे तुमने बच्चे को बचाया तो मैंने सोचा कि अपने हीरो के लिए कुछ खास बना दिया जाए। अचानक से मेरे जहन में पिस्ते का हलवा आया, रात को बना दूं क्या? नहीं करो, पिस्ते का हलवा? क्या वाकई बना दोगी मेरे लिए? बिल्कुल बना दूंगी और साथ में शरबत भी। ओए आसिया ओए। हाँ मुस्तफा हाँ। आसिया तुम जरा रुकना, मैं इन दो लफंगों से निपट लूंगा। चलो भागो लफंगे। हाँ, हाँ, चलो मैं बताता हूँ अभी। हाँ सिया। अरे मत मारो मेरी जान, ज्यादा हिलो नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी लगी है तुम्हें, कहीं दर्द ना हो रहा हो। मैं ठीक हूँ, तुम बिल्कुल फिकर मत करो। हाँ ठीक है, रात को मिलते हैं अपने कमरे में, ठीक है? समझ गए ना? हाँ ठीक है, समझ गया मैं, मिलते हैं रात को। फिर मैं तैयार हो जाती हूँ।